उत्तर प्रदेश में पहले पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर और अब यूपी बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर ने योगी सरकार की जमकर थू थू करा दी है। पिछले 15 दिनों में पुलिस भर्ती के पेपर लीक को लेकर सरकार के खिलाफ कई जगह जोरदार प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन थमे भी नहीं थे कि अब एक और पेपर लीक हो गया है। इस बार यूपी बोर्ड की 12वीं क्लास के 2 पेपर लीक हुए हैं और ये कहां हुए हैं? हर बार की तरह व्हाट्सएप पर, वो भी एग्जाम शुरू होने के 1 घंटे बाद। पेपर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। पहले तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक ने पूरे देश भर में सुर्खियां बटोरी और योगी सरकार बीजेपी सरकार की जमकर थूथू हुई और अब यूपी बोर्ड की 12वीं क्लास के परीक्षा का पेपर लीक को लेकर देश भर में खलबली मची हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जाम का पेपर यूपी के आगरा से लीक हुआ है, जिस पर परीक्षा पर्यवेक्षक मुकेश अग्रवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ पेपर के फोटो वायरल हैं। मामले की जांच की जा रही है, फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी पाली में गणित और जीव विज्ञान का पेपर था, जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो गया। प्रश्न पत्र को ग्रुप में डाले जाने के कुछ देर बाद लोगों ने जब कमेंट किया तो उस पेपर को डिलीट कर दिया गया। परीक्षा पेपर के लीक होने की आशंका के प्रकरण को गंभीरता से लिए जाने की बात कही जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। आपको बता दें कि नकल रोकने के लिए बोर्ड ने कड़े इंतजाम किए थे। एग्जाम को लेकर संवेदनशील और अति संवेदनशील एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। बोर्ड की तरफ से क्षेत्रीय केंद्रों के अलावा लखनऊ में शिक्षा निदेशालय व प्रयागराज में माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय समेत प्रमुख प्रशासनिक कार्यालयों में कमांड और नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा बोर्ड ने एग्जाम के समय नकल की शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया था। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से आ रही पेपर लीक की खबरों पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।